दोस्तों रेगिस्तान में जीवन कठिन और बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि रेगिस्तान में जीने के लिए पानी और खाने की वस्तु को ढूंढ पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और अगर आप ऐसा कर ही लेते हैं तो रेगिस्तान की आग बरसाने वाली धूप से बचना नामुमकिन है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी रेगिस्तान में जीव जंतु की अनेक प्रजातियां जीवित रह जाती है। रेगिस्तान में छोटे छोटे जीव जंतु रेत के नीचे गड्ढा खोदकर अपने रहने की व्यवस्था करते हैं और पूरे दिन अपने बिल में आराम करने के बाद जैसे ही शाम होती है ये सभी अपने भोजन के तलाश में अपने बिल से बाहर निकलते। दोस्तों कुछ बड़े जीवों की आंखों में धूल झोंककर अपनी जान बचाने वाले छोटे जंतुओं के बारे में आप लोगों ने देखा होगा या फिर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे जीवों के बारे में बताने वाले हैं जिनके शिकार करने का तजुर्बा देखकर आप दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए आज का हम सफर स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इन खूंखार शिकारी जीव जंतु के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज यार वीडियो के अंत तक बने रहिए ना। एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इन्फ्लुएंसर दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल H2 यूनिवर्स को। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, स्पाइडर हंटिंग वैस्प। रेगिस्तान में आग की तरह झुलसा देने वाली गर्मी और धूप के कारण गोल्डन स्पाइडर रेत के नीचे अपना घर बनाते हैं। गर्मी से बचने के लिए ये मकड़ी रेत के नीचे 50 सेंटीमीटर तक अपना बिल खोदती है ताकि रेत का कण इतनी गहराई तक गर्म ना हो सके। लेकिन रेत से भरे इस रेगिस्तान में इस मकड़ी का अगर कोई कट्टर दुश्मन है ना तो भाई साहब वो है स्पाइडर हंटिंग वैस्प, क्योंकि ये मकड़ियों को बिल में लगातार तलाशती रहती है और उन्हें बेहद खतरनाक मौत देती है। मकड़ी की भनक लगने पर यह रेत को तुरंत तेजी से खोदने लगती है और इसकी हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि अपने शरीर के वजन का 80,000 गुना तेजी से रेत को बाहर फेंकने लगती है। तो आपने इतना तो जान ही लिया होगा कि इतने खतरनाक खूंखार शिकारी से बचना मकड़ी के लिए बेहद ही मुश्किल है। लेकिन मकड़ी भी हार नहीं मानने वाली है और एक अमेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती है। मकड़ी अपने शरीर को गोलाकार बनाकर रेत के टीले से नीचे की ओर 44 चक्कर प्रति सेकेंड के रफ्तार से दौड़ती है और स्पाइडर हंटिंग वैस्प के हाथों से निकल बचती है। नंबर टू, एंटिलियन एंड डेथ ट्रैप। ये जीव रेगिस्तान में डेथ ट्रैप बना लेता है, जिसे आप आसान शब्दों में मौत का कुआं भी कह सकते हैं। डेथ ट्रैप बनाने के कारण इस जीव को एंटिलियन कहा जाता है। सबसे पहले ये जीव रेत के अंदर घुसकर वहां 45 डिग्री के कोण का एक ट्रैप बनाती है और इस कुएं की तरह दिखने वाले ट्रैप के गहराई की बनावट इतनी परफेक्ट होती है कि छोटे जीवों का इससे बाहर निकल पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। जब कोई जीव इस ट्रैप में गिरता है तो फिसल कर नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण बाद में एंटिलियन उसे पटक पटक कर उसकी जान ले लेता है या फिर उसके शरीर में अपना डंक चुबा देता है, जिससे कि वह जीव पैरालाइज्ड होने के साथ साथ अपने हाथ पैर को हिलाने लायक भी नहीं बचता है और एंटिलियन उसका शिकार कर लेता है। और बाद में एंटिलियन उसे पूरी तरह से गायब ही कर देता है। मतलब समझ रहे हो कहां गायब कर दिया। नंबर थ्री, स्पूर स्पाइडर। दोस्तों ये मकड़ी अपने आप को रेत के कणों के नीचे छिपाकर आसानी से अपने शिकार पर हमला कर देती है। ये मकड़ी ऐसी जगह पर अपना जाल बिछाती है जहाँ पर चींटियां या फिर कोई छोटे जीव जंतुओं का आना जाना लगा रहता है। सबसे पहले ये रेत के कणों के नीचे घुसकर पाइप के आकार का एक नली बना लेती है और फिर उसके बाद अपने सबसे खतरनाक हथियार यानी कि उस मकड़ी के जाल में चींटियों के फंसाने के लिए चक्रव्यूह अपना काम शुरू कर देता है। चींटियां जाल को अपना खाना समझकर उसकी ओर बढ़ती है और मकड़ी उन्हें अचानक से दबोच लेती है एंड गेम ओवर। नंबर फोर, गोल्डन मोल। साउथ अफ्रीका के रेगिस्तान में पाया जाने वाला ये जीव बेहद ही अजीब किस्म का जीव है। लेकिन दोस्तों इस जीव के हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये जीव रेगिस्तान में तैर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जिस तरह से मछलियाँ पानी में तैर सकती है ना, ठीक उसी तरह से ये जीव आसानी से रेत के नीचे तैर सकती है। वैसे तो ये जीव अपनी आँखों से बिल्कुल ही अंधा होती है, क्योंकि इसकी शरीर की खाल और घने बाल के कारण इसकी आँखें ढक जाती है। लेकिन इसके सेंसिटिव कानों के सुनने की शक्ति के आगे भाई साहब कुछ नहीं टिकता है। ये सुनकर ही अपनी आसपास के हलचल को पता लगा लेता है और ये अपने शिकार का बिना देखे ही ठीक समय पर और ठीक जगह पर उसे दबोच भी लेता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस जीव की अब तक 25 प्रजातियां सामने आ चुकी है। नंबर फाइव, साइड वाइंडर स्नेक। ये सांप अक्सर रेगिस्तान में पाए जाते हैं और इसकी खास बात यह है कि ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेंग सकता है। ये सांप अपने शिकार का पीछा करने के बजाय एक ही जगह पर घात लगाकर बैठना पसंद करते हैं और शिकार के आने का इंतजार करने लगते हैं। ये अपने शरीर को रेत में कुछ इस तरह से छिपा लेते हैं जिससे कि केवल उनकी आंखें ही रेत के बाहर रह जाती है और दूसरी तरफ इससे अनजान छिपकली जाने अनजाने में ही सही दूसरी तरफ से दौड़ लगा देती है
लेती है और सांप अचानक से उसे दबोच लेती है और इस प्रकार से छिपकली रेत में छिपे सांप का शिकार बन जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको रेगिस्तान का ये सफर कैसा लगा प्लीज यार हमें कमेंट कर बताइए ना। ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी किसी नए सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।